Hi guys, welcome back to another Urbanic Haul video. Today's video is on skirts which I bought, and I'm gonna talk about the price, the quality, the size, and also how I styled those skirts. और मैं यहाँ पे सारे honest reviews दूंगी और मैं ये भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे skirts को किस तरीके से style किया है for both outdoor and party wear and also for a casual, comfortable wear also. So yeah, let's get started. फर्स्ट वाला जो है वो है ये जीन्स स्कर्ट. सो मुझे एक मेरे पास पहले कोई जीन्स वाला स्कर्ट नहीं था, सो आई वॉन्टेड कि एक जीन्स टाइप का कुछ स्कर्ट हो. सो आई बॉट दिस स्कर्ट एंड इट्स प्राइस इज 903 एंड मैंने यहाँ पे एस साइज लिया है. एंड इस वाले में बहुत सारे ऑप्शंस था कलर्स में, वाइट था, ब्लैक था, मिड ब्लू था, बट आई रियली वांटेड समथिंग लाइट जीन, सो आई बॉट दिस. एंड ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा पहनने के बाद, एंड द क्वालिटी इज़ सो गुड. मुझे तो अर्बैनिक का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक उन लोगों का क्वालिटी बहुत ही प्रॉमिसिंग होता है. सो फर्स्ट लुक के लिए मैंने इस स्कर्ट को एक ड्रेस के ऊपर पहना है. ये एक ड्रेस है, ब्लैक ड्रेस है जिसके ऊपर मैंने ये स्कर्ट पहना है. एंड दिस ड्रेस इज़ अ बॉडी हगिंग ड्रेस, सो इसके साथ ये वाला स्कर्ट बहुत ही अच्छे से जा रहा है. एंड कैन बी वेयर लाइक अ पार्टी या फिर आप कहीं डेट में जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो इसके लिए मैंने ऐसा लुक क्रिएट किया है. ऑब्वियसली ब्लैक कलर तो किसी के भी साथ जाता है, तो कलर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसके साथ तो बहुत ही अच्छे से जा रहा है. सेकेंड, मैं एक क्रॉप टॉप के साथ ये पहनना चाहती थी स्कर्ट को, सो आई चोज दिस रेड क्रॉप टॉप. ये बहुत ही क्यूट एक क्रॉप टॉप है. इसके साथ मेरे बहुत सारे पिक्चर्स भी है इंस्टाग्राम में. आई वोर दिस लुक अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड वेंट आउटसाइड. आई थिंक ये परफेक्ट है कोई भी ओकेशंस या फिर यू नो नॉर्मल आप मूवीज, डेट्स और कुछ भी जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, शॉपिंग मॉल और सम कैफेज, सो इसके लिए ये बहुत ही शीक लुक है एक. सो रियली लव दिस लुक. थर्ड वाला में मैंने थोड़ा सा कंफर्टेबल रखा, इतना भी बोल्ड, इतना भी स्किन एक्सपोज्ड वाला कोई लुक नहीं रखा. थर्ड वाला में मैंने ये एक नॉर्मल टी शर्ट के साथ पहना है, तो मैंने इसको पूरा टक इन नहीं किया है, मैंने सिर्फ सामने से सिर्फ थोड़ा सा ही टक इन किया है अंदर, ताकि ये थोड़ा सा और स्टाइलिश लगे दिखने में. तो ये बहुत ही ज़्यादा एक कम्फर्टेबल लुक है, यहाँ पे ज़्यादा स्किन भी नहीं शो कर रहा है और ये स्कर्ट के साथ बहुत ही अच्छे से जा भी रहा है. सेकेंड जो स्कर्ट है वो है ये ड्रॉ स्ट्रिंग स्लिट स्कर्ट. सो ये एक साइड पे स्लिट है, इट्स अ नॉट अ शॉर्ट स्कर्ट, इट्स अ मिडी स्कर्ट. एंड इसमें स्ट्रिंग्स भी है टू एडजस्ट द लेंथ, कि आप कितना लेंथ इसको रखना चाहेंगे खुला. सो यहाँ पे एडजस्ट करके वो स्ट्रिंग्स आप बांध सकते हैं. सो देर आर वेरी वेराइटीज़, बहुत सारे कलर वेराइटीज़ था यहाँ पे. पिंक था, बर्गंडी था, बट आई वॉन्टेड इन ब्लैक बिकॉज ये सबके साथ जाता, तो दैट्स वाई आई बॉट. इसका प्राइस है 1112. आई बॉट द साइज एम हियर और आई थिंक इसका क्वालिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सॉफ्ट है. एंड जब मैंने पहना था तब थोड़ा मुझे टाइट हो रहा था कमर पे, बट इट्स ओके, उतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा. आई रियली लाइक हाउ इट क्रिएट्स द शेप, और क्योंकि ये साइड स्लिट है तो फिर उतना टाइट भी नहीं है कि यू नो चलने में प्रॉब्लम हो. सो आई कैन एडजस्ट एंड वेयर इन अ वॉट एवर वे आई वॉन्ट. सो ये बहुत ही वर्सेटाइल एक स्कर्ट है. सो द स्कर्ट को मैंने पहले वाले लुक में इसको एक येलो क्रॉप टॉप के साथ पहना है. आई थिंक दी स्कर्ट कैन, अगर आप क्रॉप टॉप के साथ पहन रहे हो तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा आउट लुकिंग एंड पार्टी वेयर लुक देता है एंड बहुत ही स्टाइलिश एंड शीक लुक देता है. यू हैव सीन दिस लुक इन माई इंस्टाग्राम, आई शॉट अ फोटो शूट इन दिस लुक. एंड ब्लैक के साथ ऑब्वियसली आप कोई भी कलर पहनो तो फिर वो अच्छा तो लगता है, बट यहाँ पे ये क्रॉप टॉप बिकॉज इस क्रॉप टॉप का जो क्वालिटी है, मटेरियल है, उसका स्कर्ट के मटेरियल से पूरा मैच कर रहा है, तो इसलिए ये और भी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है. एंड दिस इज़ क्रिएटिंग अ वेरी शीक लुक. फिफ्थ वाले लुक में मैंने थोड़ा सा बोल्डनेस को कम कर दिया है. आई वोर दिस शर्ट वाला टॉप. ये एक टॉप है जो शर्ट जैसा दिखता है, इसको मैंने पूरा टक इन करके पहना है ताकि वेस्ट का जो भी डिविशंस है ऊपर एंड नीचे वो अच्छे से समझ में. सो इसमें मैंने बहुत ही एस्थेटिक लुक रखा है, एकदम फॉर्मली लुक रखा है इस वाले में. थर्ड जो स्कर्ट है ये अगेन एक स्लिट स्कर्ट है, मिडी स्कर्ट है. एंड दिस इज एक्चुअली अ सिल्क क्वालिटी स्कर्ट. ये पूरा द क्वालिटी इज नॉट कॉटन, इट्स प्योर सिल्क. ये थोड़ा सा बीच वाइब्स वाला स्कर्ट है, लाइक इवन
इसको देख के लगता है कि ओ ये तो बीच में जाने वाला स्कर्ट है पूरा, एक्चुअली गिव्स दैट बीच वाइब्स लुक दिस स्कर्ट। एंड यहाँ पे बहुत सारा कलर्स था, लाइक ब्लू में था, ग्रीन में था, बट मुझे ये रेड वाला ज़्यादा अच्छा लगा तो आई बॉट दिस रेड वाला कलर। सो इसका प्राइस है 590 एंड आई बॉट द साइज एम हियर। ये स्कर्ट भी पहले वाले स्कर्ट के जैसा ये स्लिट है, बट द थिंग इज ये स्कर्ट उतना भी टाइट नहीं है जहाँ पे पहले वाले स्लिट स्कर्ट में यू नो टाइट था, थोड़ा सा शेप बॉडी शेप्स वॉज विजिबल, यहाँ पे उतना भी बॉडी शेप नहीं विजिबल है। ये तो बहुत ही लाइक फ्लोई स्कर्ट की तरह है, सो दैट्स व्हाई आई सेड दिस स्कर्ट गिव्स यू अ लाइक बीच वाइब लुक। पहले वाले में मैंने यहाँ पे इस स्कर्ट के ऊपर एक फुल स्लीव स्वेटशर्ट पहना है रेड कलर का पूरा। सो सिंस द स्कर्ट इज प्रिंटेड तो ऑब्वियसली मुझे ऊपर जो भी मैं पहनूंगी उसको ऑब्वियसली मुझे एक सॉलिड कलर पहनना चाहिए, एंड दिस इज लुकिंग नॉट दैट बोल्ड, इट्स अ वेरी सिंपल कैजुअल वेयर रखा है यहाँ पे मैंने। लास्ट वाला में मैंने ऑब्वियसली यू नो बीच वाइब, बिकॉज ये स्कर्ट बहुत ही बीच वाइब दे रहा है, उसको रख के मैंने ये क्रॉप टॉप पहना है। एक्चुअली वोट दिस व्हेन आई विजिटेड वन ऑफ अ बीच दिस ईयर, सो मैंने यही लुक ट्राई किया था, यही लुक मैंने पहना था। इफ़ यू सीन इन माई इंस्टाग्राम बहुत सारे वीडियोज एंड पिक्चर्स भी है, सो ये पूरा लुक एकदम परफेक्ट है बीच के लिए। सो या दैट्स इट, सो दैट इज इट फॉर टूडेज वीडियो, एंड यही तीन स्कर्ट मैंने मुझको दिखाना था एंड हाउ आई हैव स्टाइल्ड इट। एंड ऑनेस्टली अर्बेनिक जो भी क्लॉथ्स होता है वो ऑब्वियसली बहुत लेट से आते हैं, बट I love their quality. Sometimes, you know, size का थोड़ा इधर उधर हो जाता है, sometimes, not like every time. Maximum times they give the perfect size. ये एक और problem है कि वो लोग exchange का कोई options ज़्यादा नहीं रखते, बहुत ही कम कम क्लॉथ्स में शायद एक्सचेंज का ऑप्शंस रखते हैं, मैक्सिमम ऑप्शंस आर रिटर्न। सो मुझे वो वाला ऑप्शंस अच्छा नहीं लगता, बिकॉज साइज के लिए आई एम रिटर्निंग दिस एंड यू नो फिर से ऑर्डर करूँ दूसरे साइज़ के लिए, वो पता नहीं कब आएंगे। दैट्स बीन सेड एंड दिस इज हाउ आई हैव स्टाइल्ड दीज स्कर्ट्स, एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, इफ यू लाइक द स्टाइलिंग, देन प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, एंड इफ़ यू न्यू इन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क, प्लीज़ लीव इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे फैशनेबल एंड बाय।